बाबा जी शादी बाबा जी इजाजत हमारे बुजुर्ग बाबा जी अल्ताफ शाह जी और भी कई बुजुर्ग शिफमा है लो जी मैं पहला लफ्ज कहता हूँ इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी दिल लगी जो है ना दिल लगी जो मिला है मिजाह मोमिन ही बात है जायज बात पे हंसना भी आदत है फिर मैं दरमियान में जनाब को थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह पाक के जिक्र में हंसाता भी रहूंगा जरा मेहरबानी करके हक बने तो पकीजा सी आवाज जरा मेरे पर हक तो भेज गई पूछा गया लंगर में अपने बच्चे काट के डालते अब जब लोग हमारे साथ मिलकर खाते हैं तो वो समझते हैं कि मुर्गी थे बच्चे आज नया तो होता ना बाबा जी जो नया नया वो ये है नौज मिला मिन जालिक बाबा साहब शरी वीर की जी दुआ फरमाइएगा कि शिया इसलिए काफिर है कि ये मौला अली को नबी पाक से बढ़ा देते हालांकि मौला अली ही की कसम हम अली को मानते ही इसलिए हैं कि उसने कहा था जिसका नाम मौला है मालिक आपको सलामत करते उसका अली मौला है मुझे पता है मुझे अंदाजा है कि आपने पहले दो जाकिरों की मेहरबानी बाबा जी आपने बड़ी दुआ फरमाई है और मैं चूंकि जाकिर हूँ मेरा काम है जाकिर करना मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ पे शामियाना नहीं होता शक नहीं होता जब मोमिन जोर से बोलते हैं तो दूसरी तीसरी मरतबा फिर गले की वो कैफियत और मोहित नहीं रहती जितनी दाद आनी चाहिए थी इसके बावजूद भी अगर हक माने तो अपनी पकीदा सी आवाज नहीं पता भेजिए जब से बाबा विजय सर मैंने अभी आपको देखा जब से आप बैठे हुए हैं ना सारी थकन दुश्मन शब्बीर के घर ना जाए फिर मैंने शहीदों की जुतियां चूमी की है मौलवी तू बकवास करके कहते हैं कि शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली जब अलीउल्लाह की कसम हम मुस्तफा को इतना ज्यादा अली से ऊंचा मानते हैं अगर अली भी किसी जानों में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते हैं सलामत रखे मौला आपके हाथों को सलामत रखे बाबा जी सुबह आपके हाथ उठाइए खोली बात है मेहरबानी फरमाइए जो मोमिन अब आए वो कोशिश करके वही बैठ जाए हाँ मेहरबानी बाबा फयाज शाह जी कितने हैं कोलंबिया जी आपके पुत्र के सीने में सारी रात भी पढ़ते उनको काम नहीं होगी अशरे पढ़ सकते शाले साल पे मेहरबानी करके जरा पाकिदा सी दुआ नहीं पढ़ता खानी चाहिए ये कहते हैं कि शिया जो है मौला नबी पाक का जिक्र थोड़ा करते हैं 125,000 अंबिया है अभी आपने कहा और आपने सही कहा पूछा गया बादशाह अली से बादशाह जी हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक किसी संगी किसी नबी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह सके कि सलोनी कबरा तफकिरूनी जो चाहो मुझसे पूछो ये सिर्फ आपने कहा इतना सारा इलम कहां से लिया तो मैं क्या बताऊं आजा दुआ पर रसूलुल्लाह ये जहरा के बाबा की थ्रू पास है अल्लाह
इतराज़ क्या है कि शिया जब बैठते हैं अली अली खड़े होते हैं हुसैन हुसैन इन्हें पता ही नहीं कि शाम क्या है। हालांकि अल्लाह की कसम भाई जान आपने 5 मिनट कहा था मेरे देख रहे हैं, खुदा की कसम हमसे बेहतर कौन जानता है कि मुस्तफ़ा की शान क्या है। बाबा गुलाम बादशाह जी वजह पता क्या है, क्योंकि हमने रसूल उनसे पूछा है जो यहाँ बैठा करते थे किसी बिल्लियों के बाप से थोड़े पूछा के हुजूर क्या है। बाबा जी खुदा आपको सलाम करे, कप्तान जी जुबान का भी इस्तेमाल आपने करना है, मौला आपको सलाम करे, मेहरबानी से का शुक्रिया। लो जी आप अपने पुत्र को बताइए जी कसीदा शुरू हो जाए और जी जितना आप चाहेंगे मैं अभी आप अपना जिगर निकाल के जनाब की जूती में फेंक दूँ। सर आपने करना क्या है भैया, अपनी पकीदत से आवाज को अपने लेकर तक भेजना है और फिर इंशाल्लाह साईं जी एक मुजाहिद आदमी है जिन्होंने कई लोगों को करना गिराया पढ़ाया हुआ है वो भी फिर इंशाल्लाह 2-3 मिनट में ऊपर किनारे लगाएंगे। आइए जी पहला नफ्स कहता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद कामिल है कि आपकी पकीजा आवाज़ निम्बर तक आएगी इंशाल्लाह। अगरचे मौसम ठंडा है, अगरचे आप 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं 5-7 मिनट जनाब की नौकरी पेश करता हूँ। हल्की हल्की सी आवाज़ आपने निम्बर तक पहुँचाते रहना है। कौन है मेरा मुस्तफ़ा, कौन है हुसैन का नाना, कौन है जहरा का बाबा, कौन है मेरे मौला अली का भी मौला, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाए। बाबा जी मैं लाहौर से आया छुट्टी गाँव तो जब बैठा शेखपुर मोड़ से तो एक मौलवी साहब खड़े हुए बस के अंदर और कहते हैं कि मशा जी क्या है मेरा नबी वो है जिसके हाथों पे पत्थर बोले और वो बस के उतर आप आके आंखों से मार वहां तो ला शरीफ की कसम मैं फौरन खड़ा हुआ। आपको पता जब मैं नया नया मिल जाए तो शौक होता है बातें करके मैंने खड़ा होकर बाबा निशा जी मैंने खड़ा होता मैंने कहा मौलवी साहब पत्थर बोले थे कहाँ, मैंने कहा मेरा नबी वो है जिसके हाथों पे नाजिल होने से पहले अली ने कुरान पढ़ा को आपके हाथों को सलाम अच्छा ये कैसे मुमकिन है तुसी ना ना तुहाडे कोल अकल ते ना शकल ना इल्म ना अमल पता नहीं कित्थों आ गई पुठी जी कौम बाकी 10% वो जैसे नौकर बैठे हुए मेहरबानी करके सारे बोलने कोई उसे नहीं करनी। मैंने कहा मौलवी साहब हद हो गई, पत्थर बोले तो सुभान अल्लाह, अली बोले तो नौज बिल्ला, कसूर तुम्हारा नहीं, तुम शुरू ही से पत्थरों के कायल हो। यह है मेरा पेड़ जी सबके नामा बादशाह के हाथों सबके नामा आपके हाथों को सलामत रखे जी सबके मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ये मेरा पेड़ है जहाँ पीर भी बात है बाबा बादशाह जी दोस्त बनाएगा ऊंचा नाम है इब्राहिम ने उनके पुत्रों को तोड़ा था अली ने इनके पुत्रों को तोड़ा था। ये शादी
चाहिए, दिया चाहिए था। आइडिया के लोग चुप भूमिशा जी, अभी तक आपने हाथ नहीं निकाले उधर से, आपने उसके हाथ निकाले नहीं है। आपको भाई थोड़ा आपने मुस्कुरा दे रहे हैं, और मुझे पता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं बैठे हुए जो बड़े मुर्जा ऐसे हैं, मेरे अपने पीर मेरे सैयद है, वो पर अकेले कौन है, 15-20 है, तो यार 5 हार गए। कोई गल नहीं, तो यार जिता गए मैं आऊंगा घटना से बाद नहीं होगा, अभी चलो जिता गए तो आप पैंट भी पहले पैंट भैन में कहो कटे 5 रुपये खैर नहीं, असं कटे 9 हार गए जी जी बाबा जी। बाबा जी आज हर जायज बात में मुस्कुराना इबादत है, अगर मेरे पीर में अभी रुका हूँ यहाँ पर रुका हूँ, अगर मेरे पीर इजाजत दे तो मैं एक मजहब जाफरी का अकीदा बयान करूँ, तो मेरे वाले कह रहे हैं इस जुमले से लाजमी बोला है, मातम करने वालों का अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों का ये अकीदा है कि अगर आवाज उन्होंने दिए, अगर अली कहना एक खत्म कुरान का सवाब है, अली की कसम मोहम्मद कहना 7 खत्म है। काफिर काफिर शिया काफिर मौली जी वजह तेन की आख्या सर तक मौला अली को बढ़ा देते हो और मुस्तफा को कम करते हो, यही तुम्हारा कुफर है, मैं इसी से शुरू किया इसी तुम्हारे खत्म करना है। खुदा की अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम झूठ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम झूठ है, हसन शाह जी अली और वलीउल्लाह की कसम झूठ है। आइए मैं आपके पार नहीं मानता, उच्चते दौरा का अकीदा पढ़ता हूँ, और जिसकी अम्मा शिया मजबूर बोले मैं अपनी हर मजलिस में पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, दो बंदे ना बोले रौले बोले कौन बोले, सुन्नी भाई ना बोले हमारे मेहमान है हमारी जान है, नए नए शिया चुप रहे और भी सारा हो जाएगा, दो बंदे ना बोले तो है एक अश्मी अश्मी सैयद एक दो शिया जिसकी अम्मा है वो ना बोला कमर पकड़ा है। आइए मैं आपको मात में शबीर करने वालों का अकीदा बयान कर रहा हूं, याद रखिए मेरा बारवा इमाम अली की कमर पे खड़े होकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या फासिफ नाले नक्काशी पर मोहरे मुश्किल कुशा अली पे सलाम और उस अली पे सलाम जो मोहम्मद की जूतियां काटता है। मेरे मुर्शिद जिंदा बाद जी बहुत से मुर्शिद जी मौला आपको सलामत रखे जी। ये बुखारी साहब ये है मतलब जाफरी का अकीदा, बाबा शिव शाह जी मेरा उस्ताद था ना, हाँ बाबा जी थोड़े जितने जम्मू के दाखिल मिले अल्लाह पैसे तो कह रहे ये है मतलब जाफरी का अकीदा क्या उस अली पे सलाम सकते जो मुस्तफा की जूतियां काटता है, जिसका हाथ अपना हाथ नहीं है कोई नहीं समझा जी आपको सलामत रखे जी सर जी सर जी थोड़ा थोड़ा अवैशा जी थोड़ा सुना गया ये उन्होंने खोला पड़ा अरे रियाजो नजर फी मनाकर भी अशर अशर सही ला मुहिबुद्दीन तबरीज साईं जी जुमला सुनना है मैं कह रहा हूं कि अली का हाथ अली का नहीं है तो आपको पता मैं सिर्फ लाके नहीं हूं मैं खासकर सैयदों का नजर में दिखा जाफरी का तालिबे हूं मुझे पता है क्या कहना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइटिंग लेके आपकी दाद देके कोई ऐसे जुमले इस्तेमाल करूं जो कुरान हदीस के मुखालिफ हो दाद के लिए नाउज बिल्ला में तालिक ऐसा नहीं है यही तो शाहकोट के नौकर की अलहदा क्वालिटी है कि मैं पढ़ता हूँ जो हक होता है मेहरबानी मेरे हवाला बताया मुहिबुद्दीन तबरीज का नाम लिया आप सर बताइए बाबा जी हजरत उमर के दौर में एक बंदा तवाफे काबा करते हुए सामने खड़ी लड़की को गर्क निगाह से सुन्नी किताब सुन्नी आलिम सैयद और शिया कैसे सुनते हैं लाइव जा रहा पूरी दुनिया देख रही है मेरे बादशाह ने करीब आई और उसके मोटे पे हाथ रखा बंदे का बच्चा बन ये इबादत खाना है वो बाज नहीं आया बाबा जी मामा सही कई सही दूसरे चक्कर हुआ वो फिर बाज रहा है पीर शरीफ मान शरीफ तीसरे चक्कर पे जिन्हें अम्मा शेयों ने बोला जी तीसरे चक्कर पे जब वो फिर बाज ना आया अब्बास का बाप बाबा आगे बढ़ा और उस हाथ से थप्पड़ मारा जो अली का अपना नहीं था।
अच्छा सही लगा आपको रिवर्स आ रहा हूँ उस अजीब पे सलाम
जो मेरे नाना की जूतियां नाचता है।
कायनात की हर शराब नजस और हराम है सिवाय शराबन तहूरा के, और शराबन तहूरा का नाम है अली बिन अबी तालिब। ठीक है, साईं ने कहा कि नशा नहीं रहा, और साईं जी एक जुमला और कहता हूं, अंदर लगता है और साईं जी हमारे होड़िया पाणो में ऐसा जानदार था पूरी ताकत यूं करता तो ये चाहेगा और यूं करता तो ये चाहेगा। सरकार ने जंगे खैबर में हर एक को उसका हिस्सा बखरा तकसीम कर दिया, एक कला रह गया नाम इसका था याफूद, ये आई फेर बाबा भी कैसे भी भूल कर अभी याफूद ते बाबा जी एन करके सहाबा खिचते रहे पत्ते हुंदे रहे एक ही करता है मुड़ मुड़ के पीछे देखता है पाप सही तक बाबा जी जिन्हें तो दिल पर कदे की शादी होने किसी रखी चार चीजों पर सजदों के नामे ने जिंदगी में सवारी की चाहिए मेरे मुस्तफा ऊंट पे बैठे, मेरे मुस्तफा घोड़े पे बैठे, मेरे मुस्तफा इसी गधे पे बैठे, और मेरे मुस्तफा हजरत अबू बकर पे बैठे। बहत्तर फरीके की किताबों में ना हो मेरी गर्दन काटते कुत्तों को खिला दे। शिया नौकर जिम्मेदारी से कह रहा है 2020 में कह रहा है किन हालात में कह रहा है मुझे पता है। सुनिए, चार चीजों पे मेरे मुस्तफा ने बाबा जी दुकान की सवारी की। सैयद पाक ऊंट पे बैठे, घोड़े पे बैठे, गधे पे बैठे, हजरत अबू बकर पे बैठे। हजरत अबू बकर पे कब बैठे? सुनी मौके पे। हमारा मौका क्या है? गलत मसला। सुनी मौके क्या है? और निशानी वो फरमाते हैं जब अली को अपना बिस्तर दिया और खुद गए थे गार में, तो हजरत सिद्दीक अकबर भी साथ थे। आधा रास्ता तय करने के बाद आऊंगा गले निशान सुन्नी और अबा कहते हैं सरकार ने फरमाया अबू बकर इजलिस, अबू बकर बैठ जा। जब हजरत अबू बकर बैठे तो सरकार ने एक पांव इधर रखा, ये सुन्नी बोल रहे हैं, दूसरा इधर रखा, यहां से पकड़ा कहा अब उठ के चल। हजरत अबू बकर वहां से चलते हुए गार में पहुंचे। मौलवी जी वजह क्या थी? बता क्यों नहीं है? वजह यह थी कि खोजी पीछे था, सर पे पीछे था, क्योंकि सरकार के नक्शे पा रेत पर लग रहे थे, उनमें साफ रहा थी कि आ कदम शाह आ गया, इसका मतलब है नबी पाक इधर ही चले हैं। इतनी काल से मैं बात कर रहा हूं, नहीं कुरान कहता है लगातार तो फिर सुन रहा है उस वक्त हंसना में मोहम्मद की एक एक फेर में हजार हजार मसले हैं। मैं कहा मौलवी रोंदना मार, मौलवी चूटना मार, तू पहले कहता रहा कि ये बच्चे काटते हैं, पहले कहता मुझे सैयदों की चूतियों की कसम, असल में मुस्तफा कायनात के कान खोल रहे थे। खबरदार मेरे बाप ना कहना सारे एक जैसे हैं, नहीं जिन पर मैं बैठू और है जो मुझ पे बैठे हो। बादशाह आपके हाथों में थी सैयद अल्लाह, मौला आपके हाथों में सलामत रखे। भाई गदीर की शरीर में चारों ओर से मेरे दिल चला बोलो बोलो नारे हारी। अच्छा मैं दर्शन तो थोड़ा मुस्कुराता है सही बात है। चुप जी सर, मैं मेरा ध्यान रोज एक आप सुन सोना बोल रहे हूँ, आपको सलामत है, बड़ी अच्छी काविश है ये, क्योंकि मैं अगर अपने मुंह से कहूँ तो फिर तुम अपना हो कि काम नहीं होया, मैं तो अगर कराई तो
न्याशा बकरी कराए, शबाज शाह बकरी कराए, तहीब शाह बकरी कराए, दाकर शाह बकरी कराए, प्याज शाह बकरी कराए, वकील शाह है, तुम अपना पहला काम जो है। लेकिन भाई अच्छी सोच है, मुद्दत थी, एक मुद्दत पैसा पहले 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल बाबा जी छोटा था तो मैंने इधर बात सुनी थी, एक हमारे टीम थे बाबा नोमी शाह जी, बदनाम शाह भेजी वाले और बाबा जुल्फार शाह बुखारी साहब, इन्होंने सोचा था कि यार हम अजहर अली करते हैं, जश्न भी होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना लगा बता के बात है, आप बाबा जी इशा शाह जी खानदार वो शामिल हो गए, बाबा शौकत जी शामिल हो गए, परवर दीदार बाकी सदा को भी तोफीक दे, मालिक उनकी इज्जत रिस्क भी नाफा फरमाए, ठीक है, और जितना मुमकिन हो सके ये इस काले खैर में चला जाइए। अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे मेरा काम है या मैं सदा काम बदे, लेकिन खुदा की कसम असल बात यह है कि हक बनता है, बिलखसूस आले दहरा का हक बनता है, क्योंकि ये आप ही के बाप दादा का नजरा है, जितना मुमकिन हो सके हाथ से भी चाहिए कि इसमें हिस्सा डाले, भावे बनो ना अपना, ठीक है, बंदे बाहर मिले हो लेकिन बड़ा बदल, अल्लाह आपको सामने के भाजी किन्ने से आबाद है सैयद 12 है, 12 का सैयद मुस्तफा है, जहां आपने बैठना हो मैं
नहीं, 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 नहीं
इसका मतलब है शहीदों के जिक्र में हाथ फैला के बात करना सुन्नत मंसूर है, लेकिन अगर वो हाथ कमीन और तहजीब के दायरे में हो अल्लाह को सलाम करे बाबा जी, यही कमीना कमीना मैंने करके लिखा है मुस्तफा बिलाल मेरा पुराना कमीन पुत्र एक मिनट भाई बेटा एक मिनट आप छकर के कहता हूं मेरा पुत्र बड़ा मीठा ए उस्ताद किबला अली नासिर जी ने एक जुमला पढ़ा था एक दिन चौंक क्यों आया रसूलिया पता नहीं मैं कल भूल गया वो ना कहीं यार रसूलिया उतना खरीदा भी मिठा तेरे चौंका ये कहाँ मिठा है ये जो कुल्ला कर रहा है पर बात है कि मोहम्मद भी कहता है मोहम्मद मिठा तेरे जैसा हो सैन मोहम्मद भी चौंक कौन मिठा है अगला जुमला तो बात कर आके तो आप लोग दोनों का मतलब है फादर
लेकिन जैसा अबू अबू तालिब को दिखता है ना वैसा किसी और को नहीं। और मेरा अली का प्यार है सबके नामा बादशाह के हाथ में, यह है मेरा गांव, यह है मेरा कोशा, मुझे फख्र है इनकी बात में बोलते हैं ऊंचा नारा है अली। और मैं सबके नामा पीला तो जी बाबा जी, जी बाबा जी मौला जी शेर दादा अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जैसा तो बाबा जी अब क्या हुआ नतीजा क्या निकला कि जनाबे अबू हमारे हमारे कल्चर के मुताबिक जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम चचा नहीं बल्कि आया है। बाबा जी बड़े अबू हैं, नबी पाक के बड़े अबू हैं। अल्लाह तू चाहता तो चचा भी बना सकता था, बड़ा अबू क्यों बनाया, रसूल का बड़ा अबू बना दिया। फरमाया जो रसूल के बड़े अबू को काफिर कहना किसी बड़े काफिर का बेटा। इसके बाद आप कहें तो कहने का चाहता किया सरकार अब मुस्तफा ये जिसे तो अपनी प्लेट में इकट्ठा बैठ के खिला रहे ना ये मेरा साथ का कमी था। मेरी मजा लोग बैठे पाता से तो मैं बड़ा माफी लगे अगर ये बाबा जी ध्यान रहे पूरी दुआ चाहे पुत्र जुमला जवाब मिला चाहिए पूरी दुआ चाहिए कहते अगर ये काला कमी ना मेरा मिटाई आज भी अलीशा मेरे देने का कमी होता मैं अपने बीमार ऊंट की लगाम इसके हाथ में देना पसंद बीमार ऊंट से बुला के निकाल देता पूरा खादा हूं फिर बड़े वाला मैं अपने बीमार ऊंट की लगाम लगीचा भी लिया करती इसके हाथ में देना पसंद ना करता किसे एक प्लेट में गोटे से गोटा जोड़ के खिला रहा है आलमीन की रहमत के चेहरे पे अल्लाह का जलाल जाहिर हुआ साहिब जलाल अलग्राम ने यूं देखा अली के मौला ने यूं देखा अली के बहन उल्ला के मौला ने यूं देखा इसकी आंखों में आंखें डाल के कायनात की रहमत अल्लाह का गुस्सा बन के कहती है शट अप जिसके हाथ में तू बीमार उनकी लगाम देना पसंद नहीं करता मैं सूरज की लगाम इसके हाथ में ना दूं मुझे कल कर रहे हैं।
जब इंसान हंसता है मुस्कुराता है तो उसका नाक ज्यादा ओपन होता है, आंखें, आबरू या क्यों बोला तमीशा की वजह यह है कि चेहरे का जो दरवाजा है ना वो होंठ है, पूरे फेस का डोर क्या है मैं आपके सामने जवाब मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ, ये मैं आपके सामने हंसा थोड़ा सा, आपने मुझे बताना कि दरवाजा खुलता कि नहीं। लो जी ए छोड़ी है जी, इस तो बाद आपको कोई जगह वादा किया जरूर दुआ करें जी। सही है दादा बुखारी साहब शादी शेख साहब दुआ फरमा जी, जुड़ा कर लेंगे जितना होगा इंशाल्लाह की होगा दुआ फरमा जी, मायूस नहीं हो जाए की हो जब इंसान अलीशान मुस्कुराता है ना उसके फेस का टोर खुलता है। अम्मा शिया की कंस ना करी आज के बाद ना कहना तेरा रजब को काबा फटा था, नहीं अली देख के हंसा था। जनाब ने मोबाइल पे या टेलीविजन पे या यूट्यूब पे देखा है कि डॉक्टर सैयद जमीर तनकवी शाह साहब अल्लाह का जाप नाम करे एक वो थे और तीन मुआख्या गया कि अपन लाजमी बड़ी नाम पर कुरान की कसम होगी बड़ा जश्न बड़ा हो गया घड़ी देखो अद्धे मिनट जश्न लगा गया। चार आलम दीन गोल टेलीविजन पर रमजान ट्रांसमिशन आलम दीन कहने जी सारे बोलते हैं तीन गैर सैयद थे रिक्शा एक सैयद था, यही तरतीब शुरू से आ रही है। शुक्रिया बाबा जी उम्र देखे मेरे पीरों मेरे मुर्शिदों आप जानते हैं तुम्हारिया दुखियां चौंक के बदलते बने 8-10 साल हो गए ना मुझे सर्व करती हूँ आपके सामने होने 2-4 दिन नहीं बने वो भी थोड़ा दुआ दिखी है तो फिर कम हुआ आज तक ना आपके पुत्र में पूरे पाकिस्तान में कोई दरखास्त है ना FIR है ना पर्चा है कोई साढ़े के किराए तो बकरी कर ले मेरी तकरीर में नहीं कुछ होती क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कहता और कुछ भी नहीं छोड़ता। अगर आपको आफ्टर बिफोर का पता है सेहत का पता है कुरान की कसम कख नहीं होता अगर इंसान नफ़्ज़ आए पुत्र अगर इंसान इज्जत से पढ़े तमीज से पढ़े तहजीब से पढ़े बिद तरीर पढ़े माल इसके बाद पढ़े विद नॉलेज पढ़े ना पर्चा है ना फसाद है ना लड़ाई का काम नहीं रहता है। कि मिसाल देता हूं उन्होंने शाह से कहा डॉक्टर साहब कल बसी थे उन्होंने बड़े फोन पर मिले लेकिन मैं बेला नहीं कहा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप हजरत उम्र को क्यों नहीं मानते शिया को चले का क्यों कहा आपको पता है हजरत रसूलुल्लाह का फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता उम्र हो शाह ने जवाब में क्या कहा अगर ये हदीस सही हो तो ये अली के बारे में है चूंकि सरकार सुनाते हैं मैं वक्त का मूसा हूं हारून अली है फर्क यह है कि मेरे पास कोई नबी सारे बोल के बसो कुटरा को जाम हुई बोले कोई लड़ाई हुई है क्यों एक आलिम सैयद ने भी तरीन जवाब दे दिया हूं सबसे जाहिल नौकर शाह के पोर्टा मुझे मौला की कसम फिर भी इज्जत ज्यादा अली की है असमत ज्यादा अली की है शान ज्यादा अली की है।
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪੀਰ ਅਲਤਾਫ।